हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कोमल बर्नवाल फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। तो आज मैं आपको ए टू जेड बताऊंगी कैसे लिखा जाता है ना। तो आइए फिर देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग में ए टू जेड लिखा हुआ है और हमें ए टू जेड क्या करना है बेटा, राइट करना है। फिर यहाँ पे देखिए कैसे ए बनता है, ए फिर बी, आप भी मेरे साथ बनाते रहिए, फिर सी, फिर डी। डी लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, ई आता है। क्या आता है, ई लेटर, ई। फिर एफ, फिर जी, फिर एच। एच लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, आई। आप भी बोलिए आई। आई लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, जे। फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। आप भी बोलिए एन लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। क्या आता है, ओ। फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। एस लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है बेटा, टी आता है। क्या आता है, टी। फिर यू, फिर वी, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ओके, कंप्लीट हुआ ना आपका ए टू जेड। अब आइए रिपीट करते हैं। सबसे पहले जानिए कौन सा लेटर था बेटा, ये स्मॉल लेटर, सॉरी कैपिटल लेटर है। क्या है, कैपिटल लेटर। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में ए टू जेड हमने लिखा है। स्मॉल लेटर भी आपको बताऊंगी, पहले हम कैपिटल लेटर समझते हैं। तो आइए रिपीट करते हैं। ए, आप भी बोलिए मेरे साथ, कौन सा लेटर है, ए, वी, सी, डी, ई, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, है ना। और देखिए कैपिटल लेटर टू लाइन में केवल राइट किया जाता है, ये देखिए वन टू, है ना। इससे नीचे अगर गया बेटा तो फिर ये कैपिटल लेटर नहीं होता है। ओके, ऐसे ही आपको भी क्या करना है, राइट करना है, जैसे मैं राइट की हूँ। हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। फिर से आइए रिपीट करते हैं। A, V, C, D, आप भी बोलिए मेरे साथ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। फिर से रिपीट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड।
ओके फिर से रिपीट करते हैं, ए बी सी, इस बार आपसे पूछूंगी इसलिए अच्छे से रिपीट करिएगा, सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। अब आप बताइए ये कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है, बोलिए बोलिए, ए है ना, ए। ओके फिर कौन सा लेटर आता है ए लेटर के बाद, वी, क्या आता है, बी। फिर कौन सा लेटर आता है, सी। सी लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, अब आप बताइए ये कौन सा लेटर है, बोलिए, डी, क्या है, डी, डी लेटर है ना। फिर डी लेटर के बाद क्या आया, ई। ई लेटर के बाद कौन सा लेटर है, एफ। एफ लेटर के बाद कौन सा लेटर आया, जी। जी लेटर के बाद ये कौन सा लेटर है, आप बताइए कौन सा लेटर है, एच, बोलिए एच। फिर आई, आई लेटर के बाद कौन सा लेटर है, जे। जे लेटर के बाद कौन सा लेटर है, के, है ना। के लेटर के बाद कौन सा लेटर है बेटा, एल। एल लेटर के बाद एम। एम लेटर के बाद कौन सा लेटर है, एन। एन लेटर के बाद कौन सा लेटर है, ओ। ओ लेटर के बाद कौन सा लेटर है, पी, है ना। पी लेटर के बाद कौन सा लेटर है, आप बताइए ये कौन सा लेटर है, क्यू। क्यू लेटर के बाद कौन सा लेटर है, आर। आर लेटर के बाद कौन सा लेटर है, एस। एस लेटर के बाद कौन सा लेटर है, टी। फिर देखिए यहाँ पे टी लेटर के बाद यू। यू लेटर के बाद वी। वी लेटर के बाद डब्लू। डब्लू लेटर के बाद एक्स। एक्स लेटर के बाद वाई। वाई लेटर के बाद जेड, है ना। फिर से आइए रिपीट करते हैं, ए बी, आप भी बोलिए मेरे साथ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और एस टी यू V, W, X, Y, Z, ओके? तो आपको A to Z समझ में आया ना, और आप लर्न भी किए हैं। फिर आपको ये आपका होमवर्क भी है, आपको घर पे भी लर्न करना है, ओके? फिर से आइए A, B, C, D रिपीट करते हैं एक बार और, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ओके? तो आप अपने कॉपी में इसको कंप्लीट भी करिएगा, ओके? मेरे साथ अभी तो राइट किए होंगे ना, फिर स्कूल में आएंगे आप तो मैं आपकी
कॉपी चेक करूँगी और आपको होमवर्क भी दूँगी, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।